एक और लव स्टोरी थिएटर में आ चुकी है, चलो जल्दी से इसे भी निपटा देते हैं। तो रॉकी और रानी की ये प्रेम कहानी मूवी कैसी है, आइए बात करते हैं। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं तेरा मेरा रिव्यू चैनल। देखो वैसे इसके ट्रेलर ने तो सब कुछ रिवील कर ही दिया था, फिर भी मूवी देखने में मजा आया। अगर आप कपल हो तो आपके लिए ये मूवी बहुत अच्छी है, पर अगर आप सिंगल हो तो दिल पे पत्थर रखकर जरूर देखने जाना, क्योंकि आपको दोबारा बॉलीवुड जीने का मौका मिलेगा। चलो और बातें करने से पहले सीधा पहले इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं। स्टोरी है दिल्ली के रॉकी की, जिसे अपनी लाइफ में चिल करना बहुत पसंद है और वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। यही अपोजिट में है रानी, जो MBA लड़की है जिसे अपनी लाइफ में कुछ करना है और एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती है, और ये दोनों फैमिली काफी रिच है। और यहाँ से स्टोरी का प्लॉट हो जाता है शुरू। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं पहले ही आपको बता दूं, इस वीडियो में स्पॉइलर जरूर होंगे। रॉकी के हैं दादाजी, जिन्होंने अपनी जवानी में किसी से प्यार किया था, पर परिवार के चलते वो एक ना हो पाए, और अब उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि उसमें कभी याददाश्त आती है और कभी चली जाती है। एक दिन रॉकी के दादाजी की याददाश्त आती है, जिसमें वो एक लड़की का जिक्र करते हैं और उनकी डायरी में एक लड़की का फोटो मिलता है, और वो फोटो होता है रानी की दादी का। अब रॉकी अपनी दादा की गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए करता है नए नए प्लान्स, जिसमें हेल्प करती है रानी, और इसी बीच रानी से हो जाता है रॉकी को प्यार। अब स्टोरी में इसी बीच हंसी मजाक कॉमेडी और आपको इमोशन सब दिखा दिए जाएंगे। मूवी का एक और मेन पॉइंट है, जिसके अंदर लड़का लड़की आपस में अपने घर एक्सचेंज करती है 3-3 महीने के लिए, ये देखने के लिए कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली के साथ कितना सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वो सर्वाइव कर लेते हैं तो वो अपने रिश्ते को भी लंबा चला सकेंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। ऑल ओवर बात करें तो ये बॉलीवुड स्टाइल एक मूवी है जो करण जौहर सर ने हमें वापस दी है और बताया है कि बॉलीवुड अभी भी जिंदा है, जो अपनी पॉपकॉर्न मसाला एंटरटेनमेंट जैसी मूवी हमें आज भी प्रोवाइड करती हैं, और ये मूवी उन्हीं में से एक है। अगर आप सिंगल हैं और इस मूवी को देखने जाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत पेन तो आपको भी होगा कि काश मैं उसके साथ आया होता, काश मेरा ब्रेकअप ना हुआ होता, काश कुछ और, काशी में सब बीत गया हम सिंगल लड़कों का। तो वैसे पीजे भाई ने सही कहा है, लव स्टोरीज को सिंगल लड़के देखने जाते हैं तो वो पाप कहलाता है, और ये बात कहीं ना कहीं सच है। बात करें वापस टॉपिक की तो स्टोरी में कुछ नया नहीं है, बस वन टाइम देखो और देखकर भूल जाओ। पर पूरी मूवी में सभी एक्टर ने अच्छी एक्टिंग की है। रणवीर सर ने एक छिछोरा दिल्ली वाला लड़का अच्छा प्ले किया है, वहीं आलिया भट्ट ने रानी का अवतार बहुत अच्छे से निभाया है, जिसमें काफी सारे किरदारों की झलक उनके अंदर दिखती है। मूवी के अंदर आपको काफी सारे रिमिक्स सॉन्ग मिलेंगे, पर साउंड जो भी था रिमिक्स में था और वो आपको मजा देता है। बात करें मूवी की एंडिंग की तो वो कोई सरप्राइज नहीं है, आप जैसी मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म करेंगे तो आपको सेकंड हाफ का पहले ही पता चल जाएगा, और मूवी का क्लाइमेक्स का भी। अगर मैं इन्हें दो पार्ट में बांटूं तो फर्स्ट हाफ आपको कॉमेडी के अंदर दिखेगा सारा का सारा, और सेकंड हाफ इमोशन के अंदर निकल जाएगा। ऑफ कोर्स इस मूवी में काफी सारी स्पीच दी गई हैं, जैसे एक लड़की को लड़के से कम नहीं समझना चाहिए, उनकी चॉइसेस, उनकी ख्वाहिशें, उनके फैसले सब इक्वल होते हैं, वगैरह वगैरह। मूवी के अंदर आपको डीप 2-3 किसेस दिखाई जाएंगे, जो फैमिली के साथ हो सकता है लिटिल बिट आपको ऑकवर्ड कर दे, बाकी ऑल ओवर मूवी पूरी फैमिली फ्रेंडली है और आप फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं। मैं ऑल ओवर इस मूवी को देखने के बाद देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार, क्योंकि मुझे ऐसी मूवीज थोड़ी सी कम पसंद है, पर फिर भी मूवी आपको मजा, स्माइल और सुकून सब दे जाती है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा और आपके पास गर्लफ्रेंड है तो जाकर देख लो, नहीं तो दिल पे पत्थर रखकर अकेले जाके देखो। पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल, अगर आपको एक मौका मिले कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना घर एक्सचेंज कर सकते हो, यानी जैसे मूवी में दिखाया गया वैसा कर सकते हो, तो क्या आप करोगे, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, और हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना मत भूलना।